पर मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या फायदा हुआ इतने बड़े लॉयर होने का आपका? ये कोर्ट ना निकाल के फेंक दीजिए, अपने सारे लॉ के बुक्स चला दीजिए आप। उस लड़की की सजा हमारा शिव भुगत रहा है और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अरे हमारा शिव तो उसे बचाने गया था, उसे मेडल मिलना चाहिए और आप कह रहे हैं कि उसे सजा मिलेगी। हे भोलेनाथ, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये तेरा न्याय नहीं है, ये मंदिर का न्याय है। बहुत अकड़ थी ना कि सबसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मैं मेन मेंबर हूं। अब मैं तुम्हें यहां का सबसे बड़ा कैदी बनाऊंगी। मैडम एक रास्ता जिससे डॉक्टर शिव को जमानत मिल सकती है। रास्ता बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया वकील? सच में कैसा रास्ता? अगर वो लड़की खुद यहां पर आए और बोले कि डॉक्टर शिव ने उसे गुंडों से बचाया, देन उसके बयान के बेसिस पर हम चार्जर ड्रॉप करवा सकते हैं और फिर ये लड़की का मामला है तो नेता भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। बेवकूफ लॉयर, लगता है इसने मेरी एक्टिंग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। शक्ति यहां आ गई तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लीज उसे यहां मत बुला। तो क्या पूरी रात यहीं बिताऊं? 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। पापा हम उसे यहां नहीं बुला सकते। शाबाश मेरे भोले भंडारी। वो बेचारी पहले से ही सदमे में होगी, यहां बुलाकर वो और टॉर्चर हो जाएगी। तुमने अपने मन की करनी थी सो कर ली, अब चुप हो जाओ प्लीज, हमें हैंडल करने दो ये। चुप रहो। बाप हूं तुम्हारा, मेरी हर बात काटना जरूरी है क्या? नंदू ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, मैं खुद उस लड़की को लेके आता हूं। अब ये कहां चल दिए, मुझे इनको रोकना होगा नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। रुक जाइए भाई साहब। आप वहां नहीं जाएंगे प्लीज। ये क्या कह रही हो मंदिरा? तुम जानती हो कि शिव अंदर है और उसे निकालने का यही तरीका है। ये ऊपर से चाहे जो भी दिखे लेकिन अंदर से इसकी हालत ठीक नहीं है, और फिर 3 दिन ये यहाँ पे रहेगा तो इसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, तुम समझ सकती हो ना? मैं भी जानती हूँ और सब समझती हूँ, पर आप वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज शिव की तस्वीर आई है पेपर में, कल अगर आपकी आ गई तो पता चला कल पूरे कश्यप परिवार का तमाशा देख रहे हैं लोग टीवी पर। इसलिए आप प्लीज वहां मत जाइए। आज तक आपने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है क्या मैंने उसे पूरी तरह से नहीं निभाया है? तो आज मैं ये खुद जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं शक्ति को यहाँ लेकर आऊंगी।